हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 7, छाया मत छूना। और ये जो पोयम है ये लिखी है गिरजा कुमार माथुर ने। ये पोयम जो है वो हमें लाइफ के लिए पॉजिटिविटी सिखाती है, मतलब आशावादिता का संदेश जो है ये कविता हमें देती है। ये कहती है कि हमें जो हमारे पास्ट में हो गया, जो अतीत की स्मृतियां हैं, अगर वो अच्छी हैं बुरी हैं, उनको हमें अपने प्रेजेंट पे, अपने वर्तमान पे हावी नहीं होने देना चाहिए। देखिए, अतीत का मतलब होता है जो समय बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। तो हमारे जो अतीत में बीत गया है उसे हमें वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने वर्तमान को अच्छे से जीना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य का नव निर्माण कर सकें। तो देखिए, इसमें जो छाया है इसका मतलब होता है भ्रम, मतलब जो चीज़ रियल नहीं है, या फिर कोई परेशानी। दूना का मतलब होता है डबल हो जाना। सुरंग का मतलब होता है सुरंग, मतलब बहुत सारे रंगों का, रंग बिरंगी चीज़ें। सुधियाँ, सुरंग सुधियाँ मतलब रंग बिरंगी अच्छी यादें। सुहावनी मतलब अच्छी अच्छी यादें जो हैं, यादें जो पहले हम लोगों के साथ हुई हैं, चीज़ें वो हमारी यादें बन जाती हैं। फिर छवियों की चित्र गंध, ये जो है इसका मतलब होता है चित्र की स्मृति के साथ अपने आसपास की गंध का अनुभव। मतलब आप जो पास्ट में हो रखा है उसके बारे में सोच सोच के आप दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं उसके बारे में। फिर मन भावनी, जो मन को अच्छी लगती है। और तन शरीर, हमारी बॉडी। यामिनी होती है जो तारों भरी जो रात होती है, उसको हम यामिनी बोलते हैं। कुंतल होता है लंबे बाल। और छुअन मतलब छूना, टच करना। और जीवित क्षण होता है जीता जागता, जो लाइव अनुभव होता है, हमें एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में हमें बात की जा रही है। तो देखिए, कवि जो है इसका भावार्थ है, पूरे हमने मीनिंग समझ लिए। भावार्थ इसका है कवि जो है आशावादिता की ओर संकेत देते हैं, मतलब कि पॉजिटिव रहो। कहते हैं कि जीवन में जो सुख दुख है वो तो आते ही रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। जो समय बीत गया उसके सुखों को याद करके वर्तमान के दुखों को और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर आपका पास्ट का समय अच्छा था तो आप, और मान लीजिए प्रेजेंट आप में दुख से भरा हुआ है, तो आप पास्ट के सुखों के बारे में सोच सोच के आज और दुखी हो रहे हैं कि पास्ट अच्छा था, अब तो बहुत ख़राब हो गई है चीज़ें, तो इसका कोई फायदा नहीं है। दुख और भी ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि इससे हमारी समस्याएं कम होने के स्थान पर और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। माना कि जीवन में रंग बिरंगी सुहानी यादें हैं, बीते दिनों के सुख भरे चित्रों की स्मृति के साथ आप आसपास की जो सुगंध है, मतलब आपकी जो स्मृतियां हैं पहले की, वो बड़ी अच्छी हैं। आपको लगता है आज वैसा क्यों नहीं है, आज इतनी चीज़ें खराब क्यों है। मगर अब जो देखिए, वो जो तारे भरी रात थी, जो खूबसूरत रात थी, कवि कहते हैं ना कि बीत गई यामिनी, जो आपकी तारों भरी खूबसूरत याद थी वो बीत चुकी है, वो रातें बीत चुकी हैं। और फूलों की जो खुशबू है ना, वही जो कुछ है, थोड़ी बहुत चीज़ें, यादें ही बस शेष रह गई हैं। आज दुख के इन क्षणों में वे भूली हुई सुख भरी यादें एक जीवित क्षण बनकर मन को छू जाती हैं। मतलब इतना अच्छा टाइम था और आज दुख है, तो जो इतनी अच्छी वाली जो यादें थी वो हमारे मन में आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो फिर से जीवित हो गई हों। लेकिन कवि कहते हैं कि हमें उन पुरानी यादों में डूबे नहीं रहना चाहिए। जो कुछ वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे पास है, उसी से हमें अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। इन छायाओं में जीकर हमारा जो दुख है ना, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है। इसलिए हमें क्या है, छायाओं को नहीं छूना चाहिए। मतलब छाया मत छूना का यही मतलब है कि हमें पास्ट में ना जीके अपने प्रेजेंट में खुश रहना चाहिए। अब यह यश है या वैभव ना, ये वाला यश का मतलब, यश और वैभव इन दोनों का मतलब होता है फेमस हो जाना, और गौरव मतलब आप लोग आपको पसंद करें, फेमस हो जाना, ये चीज़ होती है। सरमाया का मतलब होता है धन दौलत, और भरमाया का मतलब होता है भटका हुआ। और बड़प्पन का एहसास जो है वो यह ना, प्रभुता का शरण बिंब, यह प्रभुता का शरण बिंब जो है इसका मतलब होता है आप खुद को दूसरे से जो है बड़ा समझ रहे हैं। और मृग तृष्णा, जो भ्रम होता है, जो चीज़ सच नहीं होती उसे हम मिराज इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा। चंद्रिका तो चांदनी होता है। कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है काला, जिसका रंग काला हो। और यथार्थ का मतलब होता है जो चीज़ सच हो। अब देखिए, कवि जो है वो आशावादिता का संकेत देते हैं, मतलब पॉजिटिविटी। तो आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की सीख हमें जो है कवि देते हैं। कवि कहते हैं कि माना आज जो है जीवन में यश नहीं है, वैभव नहीं है, मान सम्मान नहीं है, और धन दौलत भी नहीं है, मगर लोग जो है इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी दौड़ते रहते हैं और भटकते रहते हैं।
और देखिए फिर आगे कहते हैं कि जो बड़प्पन का एहसास है वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठा भ्रम है, भ्रम ही तो है, उसमें कोई सच्चाई थोड़े ही ना है कि हम बड़े हैं। इस बात के एहसास के लिए जो है हम लोग बड़े खुश होते हैं, और जब हमें ये हमारा भ्रम टूटता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ये भ्रम तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान में कोई हिरन भटक गया हो और इधर उधर पानी की तलाश में वो घूम रहा हो। अब देखिए, क्योंकि हर सुख जो है, हर सुख भरी रात जो चांदनी रात है वो हमेशा साथ नहीं रहती, चांदनी रात पीछे छूट गई है और आज जो है वो काली रात है, तो हर चांदनी रात में काली रात छिपी होती है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ सुख भरे दिनों को याद करके दुख में नहीं डूब जाना चाहिए कि पहले अच्छा था अब खराब हो गया है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारे सामने आज जो दुख भरी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका सामना हम लोगों को हिम्मत के साथ करना चाहिए, और सच्चाई से जो है वो अपना मुंह हमें नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो अतीत के सुखों को याद करके हम लोगों का दुख जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है, कम नहीं होता। मतलब देखिए, इस पैरा में ये है कि मान सम्मान, यश, वैभव, ये सब जो है ना वो सब तो बड़प्पन का एहसास, ये सब मृग तृष्णा है, सब झूठी चीज़ें हैं। अगर हम लोग पास्ट में अच्छा था, आज प्रेजेंट में हमारे साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, पास्ट के बारे में सोच सोच के रोते रहेंगे तो हम अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेंगे और अपना दुख को भी सिर्फ और सिर्फ बढ़ाएंगे। देखिए, दुविधा हत साहस है, दुविधा मतलब होता है परेशानी, तो दुविधा हत साहस मतलब साहस के रहते हुए भी हम लोग दुविधा में हैं, मतलब परेशान है, कन्फ्यूजन में है। दिखता है पंथ नहीं, पंथ का मतलब होता है रास्ता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, देह मतलब शरीर, भले ही हमारा देह खुश हो मगर हमारे मन का जो है वो कभी, मन के दुख का हमारा अंत नहीं हो रहा है। तो कवि यही कहते हैं कि आशावादी तरीके से आप जो है ज़िंदगी जिए, और साहस होते हुए भी अगर हमारा जो तन में साहस है मगर मन में दुविधा है तो ये बड़ी गलत बात है। इससे हमें क्या होता है, सफलता का रास्ता हमें साफ दिखाई नहीं देता। हमारा शरीर स्वस्थ है, मन दुखी है, तो हर चीज़ हमें खराब ही लगती है, और अपनी जो जो हमारे लक्ष्य है उसकी तरफ हम सही तरीके से नहीं देख पाते। फिर आगे कवि कहते हैं कि माना जीवन में दुख ही दुख भरे हुए हैं, शरतकालीन सुहावनी रात के आने पर भी सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ है। मतलब शरतकालीन रात का जो मतलब टाइम सपोज अच्छा हो गया है मगर उसके बाद भी चीज़ें सही हो गई हैं, मगर आपका जो मन है, जो सुख है आपके मन में, वो अभी भी नहीं आया है। वसंत ऋतु भी चली गई है और फूल खिला है मगर जो है फिर भी आप दुखी हैं। तो कवि कहते हैं कि दुखी मत हो, जो सुख जीवन में नहीं मिला उसे भूल जाओ। मतलब जो नहीं मिली चीज़ उसको याद करने से कौन सा वो हमें मिली जाने वाली है, तो उसको तुम भूल जाओ। जो कुछ तुम्हें प्राप्त है उसे खुशी से स्वीकार करो। जो कुछ नहीं मिला तो वो नहीं मिला, उसके बारे में कब तक रोते रहोगे, मगर जो चीज़ें मिली हैं एटलीस्ट उन्हें तो एंजॉय कर लो, उनको तो तुम खुशी से एक्सेप्ट कर लो, खुशी से स्वीकार कर लो, और वर्तमान का सामना करके भविष्य का नव निर्माण करो। वर्तमान में रहो, जो वर्तमान में आपके साथ चीज़ें हैं उनको आप एक्सेप्ट करो, उनको खुशी से स्वीकार करो, और फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए जो है वो आशावादी दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ो। तो ये पोएम हमारी हो गई है कंप्लीट। थैंक यू।